तो बच्चों मनाली छुट्टियाँ हैं आ गए बेटा। इस साल 12th है, बोर्ड्स हैं, मुश्किल साल है। तो चलो फिर नई नोटबुक निकालो, आज की डेट डालो और लिखो। श्वेता आइसक्रीम खाने चलोगी? नो, घूमना फिरना रजत, 12th बोर्ड है इस साल, फेल नहीं होना मुझे। चलो बाय। क्यों कितना ये अंकल, आपको कोई पार्किंग सेंस है नहीं है? अब तू मुझे पार्किंग सेंस सिखाएगा? अरे ना पांडू से दूर रह। इसको क्या प्रॉब्लम है? अरे तू चुप रह, बड़ा भाई हूँ तो सोच के बोल रहा हूँ। यार तूने ठीक नहीं किया खन्ना की बिल्डिंग छोड़ के, तू लाया भी कहाँ? यहाँ छत पे ऐसे कोचिंग नहीं चलती यार। इशिता मुझे पता है मैंने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा है, तुम्हें डर है कि हम फिर से पहले जैसे हो गए तो मैं शायद तुम्हें फिर से छोड़ के चला जाऊंगा। तुम्हें कभी गिव अप नहीं करूंगा। तुम मुझे दोस्त से ज्यादा देखते हो, ये तुम्हारा फैक्ट है। मैं अभी दोस्ती से ज्यादा कुछ नहीं चाहती हूँ, ये मेरा फैक्ट। यार पांडू मेरा दिमाग मत खाना, मुझे जानू भैया का नंबर दे तू बस। तुझे हुआ क्या, तू चिल्ला क्यों रही है? ये जो कोचिंग के नाम पर आपने आवारा बच्चों का अड्डा खोला हुआ ना, वो प्रॉब्लम है। अरे कुछ तो सीख अपने भाई से बेअकल। पांडे जी मैं ना लिख के दे रहा हूँ, मैं आपको फेल होने से कोई नहीं बचा सकता, हो जाओ फेल मेरी बला से। हमने डिसाइड किया था कि सिर्फ दोस्त बन के रहेंगे, पर तुम मुझे सिर्फ लटका के रखना चाहती हो। तुम सेल्फिश हो श्वेता, ये तुम्हारा फैक्ट। हौले हौले वादों से लिख के सफरनामा मेरी साथ। कभी बरसात, गर्मी, सर्दी, मच्छर, यानी गलती को नहीं कर दिए फैसला लेके। हौले हौले वादों से नहीं करना यार पापा किसी पे भी भरोसा। मेरी सारी मंजिल तुझ तक यहाँ। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं जिससे प्यार करता हूँ सब मुझे छोड़ के चले जाते हैं। तो लाइफ है ना, ये बिल्कुल ना नूडल्स की तरह होती है, एक दूसरे में उलझी हुई। अब हम इन नूडल्स को सुलझाने बैठेंगे तो फिर हम इसका स्वाद नहीं ले पाएंगे।